कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खबरों पर। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा, जहां इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में एसपी ने बताया कि थाना प्रभारी को निर्देशित कर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थाना संग्रामपुर के नवादा गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सुबह दो पक्ष, रामानंद वर्मा और बाबूलाल वर्मा, दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं, उनके परिवारजनों द्वारा अपने मकान के सामने की खाली जमीन और गुड़ के गड्ढे की जमीन के कब्जे को लेकर मारपीट हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों के जो घायल लोग थे, उन दोनों को तत्काल वहां पर पुलिस द्वारा पहुंचकर मेडिकल उपचार के लिए रवाना करा दिया गया था और मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर दी गई थी। मेरे द्वारा वहां पर मौके का निरीक्षण कर लिया गया है और मारपीट के कारणों के संबंध में भी जानकारी की गई है। प्रथम दृष्टया यही कारण सामने आ रहा है कि दोनों पक्ष जो उस खाली जमीन पर काफी जोना चाह रहे थे। एक पक्ष द्वारा वहां पर बोर का गड्ढा बना लिया था, दूसरा पक्ष वहां तरपाल लगाकर अपना शौचालय बनाकर कब्जा करना चाह रहा था। इसी घटनाक्रम के बाद जो है थाना संग्रामपुर को मेरे द्वारा FIR करके आगे की विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही CO पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान होते ही मामले की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल अभी मृतक की कोई भी पहचान नहीं हो पाई है। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में बड़गांव मार्ग पर सवारियों से भरा अनियंत्रित टेम्पो पलट गया। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया और टेम्पो को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक ट्रांसफार्मर में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि सड़क के दोनों तरफ घंटों यातायात बाधित रहा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी और बिजली कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस मौके पर LDCO प्रभारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने आजमगढ़ के बिलियारीगंज थाना क्षेत्र में बने एक नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पंप मालिक, एरिया मैनेजर और क्षेत्र की जनता मौके पर मौजूद रही। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया। वहीं पंप मालिक ने सभी को संबोधित करते हुए उनका धन्यवाद किया और लोगों को डीजल और पेट्रोल के दामों के बारे में बताया। लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने 3 छात्र चोरों को पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि ये चोर खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर देर रात मीटर चेक करने के बहाने से एक घर में घुसे थे, जिसके बाद शक होने पर घर वालों ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों चोरों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाराबंकी के टिकैतगंज थाना क्षेत्र में एक पिता ने आपसी विवाद के चलते अपने बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस मौके पर SP ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सवेरे सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर, मैं यहाँ गांव में आया हुआ हूँ। ये अफरुद्दीन पुत्र रमजान, जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, जो बम्बई से भी पिछले महीने आया था, करीब आज 23 दिन हुए हैं आए हुए। ऐसे ये ज्ञात हुआ है कि इसके पिता ने ही इसकी हत्या कर दी है कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। इस संबंध में पिता को डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जल्दी से ही कारणों का पता लग जाएगा और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में एक ट्रक ने स्कूटी सवार दो महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार करके मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर में SP के निर्देश पर इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में अपराधी ने गौकशी सहित कई दूसरी आपराधिक घटनाओं के बारे में बताया। पुलिस ने अपराधी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और कुछ अन्य चीजों को बरामद किया है। हिरासत में आए अपराधी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाना अजीमनगर पुलिस ने एक गोकश जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, नईम कुरैशी,
पुत्र खलील कुरैशी, ग्राम आगा, थाना अजीम नगर का, जिस पर 20,000 रुपये का पुलिस अधीक्षक रामपुर के स्तर से इनाम घोषित किया गया था। आज उसकी गिरफ्तारी करने में अजीम नगर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। ये बदमाश मैं तमंचे के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसे तत्काल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के पास कुर्सी समाज और संत गाड़ के सेवा समिति के लोगों ने आंदोलन किया। यह आंदोलन प्रतापगढ़ में कुर्सी परिवार के ऊपर हुए हमले को लेकर किया गया है। प्रदर्शनकारी विधानसभा को घेरने की भी तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही उन्हें नगर निगम के सामने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते समय पुलिस कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। जितना ही चाहती है।